हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है करेला की चटपटी चाट, या करेला चाट आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये है मेरे पास हरी चटनी, जो मैंने बहुत सारा हरा धनिया और चिली, ग्रीन चिली, हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और आधा नींबू उसमें डाला हुआ है, और नमक, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने पीस लिया है। और ये है मीठी चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर करी हुई है, खट्टी मीठी चटनी, आप चेक कर सकते हैं। और ये है करेला, जो मैंने, इसकी रेसिपी मैंने आपको शेयर की हुई है, और ये उस पर पापड़ी इस पर तोड़ के डालने के लिए। ये भुना हुआ जीरा, जो मैंने क्रश किया हुआ है, और ये है आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 2 पिंच कश्मीरी मिर्च, 1 पिंच गरम मसाला, और व्हाइट सॉल्ट, नमक। इसको हम मिक्स कर लेंगे। और ये लिया है मैंने मीठा दही, इसको मैंने थिक किया हुआ है, बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं किया है, हमें इस कंसिस्टेंसी में ये चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं करेला चाट की रेसिपी, और वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें, और ये बहुत ही टेस्टी है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं अपनी करेला चाट। तो सबसे पहले मैं ये करेले, क्योंकि ये करेले शेप के होते हैं इसलिए इनको करेला चाट बोलते हैं, तो मैं इसको सेट करूंगी। और अगर आपके पास वो जो डिस्पोजल वाले दोने होते हैं, आप उनमें करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके ऊपर डालूंगी ये मीठा दही। दही मीठा ही होना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा उसमें। इसको अच्छे से ये कोट हो जाए, इतना हम दही स्प्रेड करेंगे इस पे। बस थोड़ा थोड़ा, देखिए बहुत ज्यादा नहीं, लाइक दिस। और अब हम इस पे डालेंगे हरी चटनी। किसी को कम ज्यादा पसंद है तो आप उसके हिसाब से और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। और अब हम डालेंगे मीठी चटनी, लाइक दिस। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये जो हमने चीजें ली हैं, मैंने जैसे बताया, इनको मैं मिक्स कर दूंगी, और इस मिक्सचर को स्प्रिंकल करेंगे। और बाद में हम जो हमने जीरा भून के क्रश किया हुआ है उसको स्प्रिंकल करेंगे। इसमें भुने जीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये मैंने स्प्रिंकल किया जीरा। और इसके ऊपर ये मैंने जो पापड़ी ली हुई है, ये देखिए, इनको क्रश करके डालूंगी। तो ये रेडी है हमारी करेला चाट। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही मजेदार लगी होगी, और आप लोग जरूर ट्राई करेंगे, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली वीडियोज और भी अच्छी लगने वाली है आपको। सो दिस इज माई टूडेज रेसिपी, आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।